हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट देखिए दोस्तों अभी पटवारी एग्जाम चल रहा है इकतीस दिसंबर तक चलेगा तो आप देखे होंगे पटवारी एग्जाम अभी एनालिसिस और रिव्यू देख चुके होंगे तो लगभग एमपी पी रिलेटेड से लगभग दोस्तों दस से पंद्रह क्वेश्चन एमपी जीके से पूछा जा रहा है और जनगणना पॉपुलेशन से रिलेटेड तो एक सौ दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है तो मैं इस वीडियो में जनगणना और भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको ऐड किया हूँ तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से और लास्ट तक देखें क्योंकि यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो देख लीजिए इस टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फायदा हो और कमेंट करके बताएं कैसा लगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में भी क्लिक कर दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन पटवारी एग्जाम की मिलती रहे तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले अपन देखेंगे टोटल जनसंख्या एमपी कितनी है तो ये सात करोड़ छब्बीस लाख छब्बीस हज़ार आठ सौ नौ इसको याद कैसे रखेंगे सात छब्बीस छब्बीस एट जीरो नाइन ठीक है सात छब्बीस छब्बीस एट जीरो नाइन हालाँकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये ये डाटा जो है याद भी नहीं होगा ये पुरुष जनसंख्या महिला जनसंख्या को ये बालकों की संख्या ये इतना महत्वपूर्ण एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है तो ये दोस्तों वर्तमान में दो हज़ार ग्यारह जनगणना के अनुसार नौ सौ इकतीस है ठीक है ये टॉपिक ये क्वेश्चन बनता है ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है तो प्रदेश का जो लिंगानुपात है मध्य प्रदेश का वो है नाइन थर्टी वन ठीक है याद रखना है आपको प्रदेश का शिशु लिंगानुपात जो है दोस्तों वो है नौ सौ अठारह लिंगानुपात जो है नौ सौ इकतीस और शिशु लिंगानुपात नौ सौ अठारह फिर अगला देखते हैं प्रदेश का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला तो ये अलीराजपुर ये पूछा जा सकता है प्रदेश का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है अलीराजपुर जिसका कितना है नाइन सेवनटी एट नौ सौ अठहत्तर और प्रदेश का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जो ज़िला है वो मुरैना आठ सौ उनतीस सर्वाधिक जो है अलीराजपुर और न्यूनतम मुरैना और जनसंख्या घनत तो पूछा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी तो ये दोस्तों टू थर्टी सिक्स दो सौ छत्तीस प्रदेश की साक्षरता दर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है 69.32 परसेंट ठीक है आपको याद रखना है प्रदेश की साक्षरता दर तो है सिक्सटी परसेंट और पुरुष साक्षरता दर 78.73 परसेंट महिलाओं की साक्षरता दर ये 59.2 परसेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है महिलाओं की साक्षरता दर पूछा जा सकता है आपको याद रखना है फिफ्टी परसेंट पुरुषों की 78.73 परसेंट फिर नेक्स्ट है प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला ये तो नौ दिसंबर को पूछा जा चुका है वाला क्वेश्चन जबलपुर है 81.8 परसेंट टोटल वहाँ सर्वाधिक प्रदेश का जो सर्वाधिक साक्षर जिला है वो जबलपुर है और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर ये पूछा जा सकता है अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें जरूर पूछा जा सकता है न्यूनतम जो अलीराजपुर कितनी है वहाँ की 36.1 परसेंट चलिए अब अगला देखिए दस की वृद्धि दर जो है वो है ट्वेंटी पॉइंट की वृद्धि दर थी ट्वेंटी प्रदेश की शहरी जनसंख्या ये इतना बड़ा डाटा आप याद ही नहीं कर पाएंगे और ये ऐसा नहीं पूछा जाता इसमें से पूछा जाता है एग्जाम में कि अनुपात पूछा जाता है परसेंट पूछा जाता है ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट कितना है तो ये सेवेंटी टू पॉइंट थ्री सेवन परसेंट ठीक है बहत्तर दशमलव तीन सात प्रतिशत शहरी जनसंख्या का अनुपात ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स थ्री परसेंट अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत ट्वेंटी वन पॉइंट वन परसेंट और अनुसूचित जाति का प्रतिशत फिफ्टीन पॉइंट सिक्स परसेंट चलिए अब अगला देखते हैं सर्वाधिक एस जनसंख्या वाला जिला यानी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है जनसंख्या वाला जिला वो है धार और न्यूनतम एस जनसंख्या वाला जिला भिंड सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला धार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला भिंड और सर्वाधिक एस परसेंट वाला जो जिला है दोस्तों वो है अलीराजपुर यहाँ पे टोटल एट्टी नाइन परसेंट जनजातियाँ न्यूनतम एस परसेंट वाला जिला भिंड है सर्वाधिक एस जनसंख्या वाला जिला इंदौर न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला जिला झाबुआ और सर्वाधिक एस्सी परसेंट वाला जो जिला है वो उज्जैन और न्यूनतम एस्सी परसेंट वाला जिला झाबुआ एससी यानी अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख कृषि संस्थाएं एवं केंद्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जरूर पूछा जा सकता है हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है एक से दो क्वेश्चन कि, कि कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है इसका आंसर हो जाएगा खरगोन में कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन और गेहूं अनुसंधान केंद्र जबलपुर चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है ठीक है चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है सोयाबीन रिसर्च सेंटर इंदौर में जितने भी रिसर्च सेंटर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है कृषि इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र ये भोपाल में है और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय ये जो कॉलेज है ये जबलपुर में है ठीक है और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जबलपुर में है डेयरी राज्य केंद्र जबलपुर में तो इसमें से जो फिर सैलिक जैविक खास संयंत्र भोपाल में राजमाता विजया राजे विश्वविद्यालय ग्वालियर में है राजमाता विजय राजे यूनिवर्सिटी ग्वालियर चारा बनाने का संयंत्र धार में है कहाँ धार में सबसे बड़ा जो सोयाबीन प्लांट है एमपी में वो एशिया का है भाई ये उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट उज्जैन में सबसे बड़ा ऑयल सरसों मिल प्लांट मुरैना में और उद्यान उद्ध्या, उद्यान जो महाविद्यालय है वो मंदसौर में है उद्यान की महाविद्यालय उद्यान की कॉलेज मंदसौर में ठीक है तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों वो है कपास अनुसंधान केंद्र एक कपास रिसर्च सेंटर अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में खरगोन चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी सोयाबीन रिसर्च सेंटर इंदौर इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कृषि अभियंतिकी महाविद्यालय ये जबलपुर में और फिर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राजमाता विजय राज विश्वविद्यालय ग्वालियर हालांकि सभी महत्वपूर्ण है लेकिन ये जो अक्सर पूछ लिया जाता है व्यापम एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आपसे पटवारी एग्जाम में पूछा जा सकता है फिर ये देखेंगे अपन विभिन्न शहरों के उपनाम तो दोस्तों मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहते हैं शिवनी को मध्य प्रदेश का एमपी का लखनऊ शिवनी बौद्ध जगत की पवित्र नगरी सांची जो कि रायसेन में स्थित है यहाँ पे सांची यूनिवर्सिटी भी है बौद्ध विश्वविद्यालय बौद्ध जगत की पवित्र नगरी सांची तानसेन की नगरी ग्वालियर झीलों का शहर भोपाल महाकाल की नगरी उज्जैन पर्यटकों का स्वर्ग पचमढ़ी जो कि होशंगाबाद जिले में आता है और मध्य प्रदेश का मुंबई इंदौर है मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई इसको मिनी मुंबई भी बोलते हैं इंदौर को गेहूं का भंडार मालवा यहाँ गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है इसलिए गेहूं का भंडार मालवा मंदिरों का नगर उज्जैन मैग्नीज नगरी बालाघाट और आनंद नगरी यानी जॉय सिटी मांडू संगीत नगरी मैहर चूना नगरी कटनी संगमरमर की नगरी भेड़ाघाट आप सबको पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्बल्स पाया जाता है भेड़ाघाट में बागियों का गढ़ भिन्न मुरैना क्षेत्र कला का तीर्थ खजुराहो और ऊर्जा राजधानी एनर्जी कैपिटल सिंगरौली मध्य प्रदेश का डेटराइट पीथमपुर जो कि धार जिले में आता है ठीक है तो अक्सर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का डेटराइट पीथमपुर जो कि धार जिले में आता है फिर मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी बौद्ध जगत की पवित्र नगरी सांची, तानसेन नगरी ग्वालियर और संगीत नगरी मैहर और सिटी ऑफ जॉय यानी मांडू तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आई होप दोस्तों आपके लिए यूजफुल होगा और हेल्पफुल रहेगा जरूर इस टॉपिक से पूछा जा सकता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कमेंट करके बताइए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी रेगुलर डेली अपलोड करने वाला हूँ पटवारी एग्जाम के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपको ऑल द बेस्ट थैंक यू जय हिंद